बाइक गियर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत कुछ जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम आपको मैक्लारेन की कारें दुनिया भर में अपने खूबसूरत डिजाइन, लुक और स्पीड के लिए जानी जाती है। ये कारें न केवल देखने में शानदार लगती हैं, बल्कि इनकी स्पीड भी धड़कने बढ़ा देती है। मैक्लारेन ने अपनी नई 720 स्पैडर स्पोर्ट कार को लॉन्च किया है। इस कार को पेंट करने में पूरे 260 घंटे यानी कि तकरीबन 10 दिनों का समय लगा है। जहां आज कारों को महज कुछ घंटों में रोबोट द्वारा पेंट कर दिया जाता है, वहीं इस कार की पेंटिंग में लगने वाला समय बेहद ही हैरान करने वाला है। इस कार को मैक्लारेन की स्पेशल ऑपरेशन की टीम ने पेंट किया है, जो कि ग्राहकों के इच्छा अनुसार कारों को कस्टमाइज करती है। इस कार को पेंट करने के लिए 3 अलग अलग तरह के पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कंपनी ने डर्टन ब्लू, सेरुलियन ब्लू और अबिस ब्लैक जैसे 3 पेंट को शामिल किया है। तीनों पेंट को मिलाने के बाद जो रंग बना है उसे कंपनी ने कॉरलिस नाम दिया है। देखने में इस कार का रंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस पेंट को मेटालिक ग्रे बॉडी के ऊपर लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस कार को एक सफल पेंटर और आर्टिस्ट द्वारा रंगा गया है। सभी जानते हैं कि मैक्लारेन 720 स्पैडर अपने स्पीड के लिए काफी मशहूर है, इसलिए कंपनी ने इसकी एक झलक पेंट जॉब में भी दिखाई है। इसके पेंट को ऐसे फिट किया गया है जिसे देखकर लगता है कि कार स्पीड में दौड़ रही है। आपको बता दें कि पेंट जॉब के अलावा इस कार में अन्य कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस कार में कंपनी ने 4.0 लीटर की क्षमता का विंड टर्बोचार्ज V8 इंजन का प्रयोग किया है, जो कि 710 BHP की पावर और 770 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये कार महज 7.9 सेकंड में ही 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसके अलावा इस कार की टॉप स्पीड 341 किलोमीटर प्रति घंटा है।